अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एज यू पीपल नो दैट वी आर स्टडीइंग सॉल्यूशंस एंड टुडे इन सॉल्यूशंस वी विल डिस्कस रॉल्स लॉ व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रॉल्स लॉ के मुतालिक लेक्चर दिया था और उसमें हमने इसके definitions, different definitions of Rorts law and the conditions under which Rorts law is applicable वो हमने discuss किया था। So today we will see what will happen when both the components of the solution they are volatile. Volatile का मतलब है कि वो दोनों vapors में convert हो सकते हैं। So Rawls law can be applied to understand the relationship between mole fractions of two volatile components and their vapor pressures before making the solution and after making the solution. ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, और उनके हमने मोल फ्रैक्शंस एक्चुअली लेने हैं। मोल फ्रैक्शंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको कंसंट्रेशंस वाले टॉपिक में पढ़ाया था, और अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो वहाँ जाके दोबारा से देख सकता है। तो हम मोल फ्रैक्शन लेंगे दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स की, और रॉड्स लॉ की मदद से हम इनके वेपर प्रेशर्स इन दोनों को मिक्स करने से पहले एंड मिक्स करने के बाद बाय मीन्स ऑफ रॉड्स लॉ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव टू लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है, और ए एंड बी के जो प्योर वेपर प्रेशर्स हैं, ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है उसको डेजिग्नेट किया गया है बाय मींस ऑफ पी नॉट ए, और ये प्योर फॉर्म में है यानी इंडिविजुअल फॉर्म में बिफोर मिक्सिंग, जबकि पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर जाहिर है हमने कॉन्स्टेंट रखना है, कोई भी आमतौर पर रूम टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। After making the solution, the vapor pressure of both liquids are changed. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि इनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर मेजर करेंगे और उनको पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम उन दोनों लिक्विड के मोल फ्रैक्शंस, इक्वल मोल फ्रैक्शन इक्वल अमाउंट में हम इनको आपस में मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। तो अब जो वेपर प्रेशर ऑफ दीज लिक्विड्स इन सॉल्यूशन स्टेट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए, यानी इसका मतलब ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन और पी बी, विच मींस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, और उनके मोल फ्रैक्शंस क्या होंगे सॉल्यूशन में, एक्स ए एंड एक्स बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इन दोनों कंपोनेंट्स पे रॉड्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, so this is the form of Rorts law for both the components. ठीक, तो Rorts law जो है, जो इसकी सबसे पहली definition हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक vapor pressure of component A in solution, this will be equal to pure vapor pressure of component A multiplied by mole fraction of component A. ठीक है, तो ये वाला जो है vapor pressure है component A का solution के अंदर, और ये वाला जो है प्योर वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का जो हमने मिक्सिंग से पहले मेजर किया था, और ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का जो हमने कैलकुलेट की थी डिपेंडिंग अपॉन इट्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लाइकवाइज इसी लॉ को हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट बी के ऊपर, और इस तरह से रॉड्स लॉ फॉर कंपोनेंट बी, इट विल बिकम पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी के ये बराबर आ जाएगा। ओके, सो द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जाहिर है किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दैट इज प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन प्लस प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन, व्हिच इज अगेन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये पिछली स्लाइड से ये पी ए और पी बी की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी, तो टोटल प्रेशर है पी टी इज द टोटल प्रेशर। अब हमें पता है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स that x a plus x b this is equal to 1, total number of mole fractions of components of solution this must be equal to 1. तो इसमें से अगर हम x b की वैल्यू निकालें
दिस विल बी 1 माइनस एक्स ए, राइट। तो अब ये वाला जो एक्स बी की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, टोटल प्रेशर दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस, ये पी नॉट बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, राइट। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है एक्स ए, राइट, इसमें से और इसमें से, ठीक है। इसमें से हम एक्स ए जो है वो कॉमन ले लेंगे क्योंकि इन्हीं दो वैल्यूज के अंदर एक्स ए है। इसको थोड़ा सा आप एक और स्टेप लिख सकते हैं आसानी के लिए अपनी, कि ये माइनस वाली को आप इसके साथ शिफ्ट कर दें, लेकिन ऐसे भी ठीक है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से एक्स ए कॉमन है तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस ये वाला आ जाएगा, ये वाला एक्स ए कॉमन प्लस ये पी नॉट बी जो है साथ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दी है, वो क्या है कि जो कंपोनेंट ए है दिस इज लो बॉइलिंग लिक्विड, ठीक है। यानी ये वाला आपके पास जो कंपोनेंट है ए, राइट, दिस इज लो बॉइलिंग लिक्विड एंड बी इज हाई बॉइलिंग लिक्विड, और बी जो है हाई बॉइलिंग लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ए जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है तो बी जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। इसका ये भी मतलब है कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो भी लो बॉइलिंग होता है जो कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है इसका मतलब कि होता है कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जबकि जो हाई बॉइलिंग है जो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका वेपर प्रेशर कम है इसलिए वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन बी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अगर हम एक खास टेम्परेचर फिक्स कर लें, ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर, कोई भी आप टेम्परेचर ले लें, हमेशा ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बी का वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है लाइक दैट तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है लाइक दैट तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सो जो हमने अभी प्रीवियस इक्वेशन देखी एंड पे उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसमें से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन एक्स बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ तो दोनों की मोल फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो हम फॉर एग्जांपल अगर बी की मोल फ्रैक्शन की बात करें जिसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, ठीक है, तो बी की मोल फ्रैक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ को इंक्रीज कर रही है, राइट, यानी 0 फिर 10% फिर 20 फिर 30 फिर 40। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इन विच वी विल टेक द कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस, और जो टोटल प्रेशर था वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग लें, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये वाली एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, ओनली दोज पेयर्स ऑफ लिक्विड्स गिव स्ट्रेट लाइन विच फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ये सिर्फ वही सोल्यूशंस देते हैं जो कि आइडियल होते हैं, ठीक। तो अब इसमें हमने क्या करना है, यानी बी की परसेंटेज को टोटल वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया, या ए की को भी कर सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर के अलॉन्ग, तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। तो अब इसमें दूसरी बात ये है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन सिर्फ उस सूरत में आएगी उन सॉल्यूशंस के लिए जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, राइट। सो रॉड्स लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरियन टू जज वेदर अ सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉट, ठीक है। तो अगर हमने ये जज करना है कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके सॉल्यूशन के कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम टोटल वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन आ जानी चाहिए। तो इस तरह पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेट है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक सॉलिड लाइन नजर आ रही है, राइट,
which is actually the vapor pressure, right? वेपर प्रेशर, अगर आप बेशक इस यू नो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लें, यहाँ यहाँ पर जो वेपर प्रेशर दिया गया है और उसमें आप डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक देयर वी हैव कंपोनेंट ए एंड बी, उनकी डिफरेंट कंपोजिशंस का वेपर प्रेशर को जब हम को वेपर टोटल वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम ये एक्स एक्सिस पे जो कंपोजिशन है या मोल परसेंट है उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने ये डी हमारे पास कंपोनेंट है और इधर से हमने डिफरेंट कंपोजिशंस इसकी लेना शुरू की हैं, तो जहाँ पर बी की वैल्यू ज़ीरो है वहाँ पर ए जो है वो 100% होगा, ठीक है। इसी तरह अगर बी की वैल्यू 10 है, 10% है, तो ए जो है वो 90% होगा। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम आगे को मूव करते हैं तो बी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और इस पॉइंट पे आके बी जो है हमारे पास 100% है, राइट। तो इसी एक्चुअली हमने क्या करना है कि डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ द सॉल्यूशन बनानी है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशंस का वेपर प्रेशर हम ले लेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम इस ये हमारे पास कंपोजिशन है एक, जिसमें हमारे पास बी 0% है और ए जो है वो 100% है। यानी इस पॉइंट पे सारे का सारा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई यानी इस सॉल्यूशन की, और ये इसका वेपर प्रेशर हो गया यहाँ पर इस पॉइंट पे जो हमने इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैलकुलेट करते हैं। चूंकि इस सॉल्यूशन के अंदर सारे का सारा हमारे पास 100% ए है, इसलिए हम इसको पी नॉड ए बोलेंगे। एक्चुअली दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, बिकॉज ऑल द यू नो दिस सॉल्यूशन कंटेन ओनली ए, तो इसके अंदर है ये, तो इसलिए जो इसका हम वेपर प्रेशर लेंगे दिस विल बी डिनोटेड बाय पी नॉड ए, व्हिच इज as I have already said, this is the vapor pressure of pure component A. अब जब हम आगे चलेंगे, हमारे पास ये solution composition है जिसमें 10% B है और 90% A है, तो इससे related जो vapor pressure है वो ये है, right? तो इसी तरह किसी भी component of the solution के जो mole percent है उसको हम जब total vapor pressure के against plot करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी। लाइकवाइज 2080 के लिए हमारे पास ये वाला वेपर प्रेशर है, 3070 के लिए हमारे पास ये वाला प्रेशर है, 4060 के लिए हमारे पास ये वाला है, एंड सो ऑन। ओके, तो जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं वेयर वी कंटेन ओनली कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, यानी आप कह सकते हैं दिस इज प्योर कंपोनेंट बी, और इससे रिलेटेड जो वेपर प्रेशर है दिस इज पी नॉट बी, ठीक है। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, बिकॉज हियर इन द सॉल्यूशन वी हैव ओनली कंपोनेंट बी, सो वी विल से दैट दिस वेपर प्रेशर दिस क्रॉसबॉन्ड ओनली टू लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, राइट। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पर आप ये भी देखें कि ये वेपर प्रेशर है। अब वेपर प्रेशर, अब टेम्परेचर एक्चुअली एक ही है, ठीक है, यानी एक ही टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे हैं ये सारे वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर इस ग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि एट द सेम टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का, वो ज्यादा है। मार्क माई वर्ड्स, एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए विच इज पी नॉट ए, दिस इज हायर देन पी नॉड बी। अब जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो वो लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, यानी वो कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाता है, और जिसका वेपर प्रेशर कम हो वो हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है और उसको बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दैट। अब यहाँ इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का वो कम है, जबकि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट ए है दिस इज लो बॉइलिंग लिक्विड,
एंड कंपोनेंट बी इज हाई बॉइलिंग लिक्विड, यानी कंपोनेंट ए कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा और कंपोनेंट बी जो है वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने वेपर प्रेशर लिया है दोनों का, पी नॉट ए और पी नॉट बी का, दिस वी हैव टेकन एट द सेम टेम्परेचर। ओके, अब यही सारी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअली दो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है, रेड लाइंस आगे, खैर वो दोबारा आएगा, मैं दोबारा से उसको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें जो दो रेड डॉटेड लाइंस हैं वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन को शो करते हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर ये वाली रेड डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे जैसे ये बी की कंपोजिशन इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे बी का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक के वो यहाँ तक पहुँच जाता है जो कि मैक्सिमम पॉइंट है कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंपोजिशन मैक्सिमम है, यानी 100% है, सारे का सारा बी है, ठीक है। जबकि ए ए का ये डॉटेड लाइन ये शो करती है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस साइड पे ए का मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंट बढ़ रहा है, तो इसी लिहाज से इसका ये वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है अंटिल इट रीचेस दिस पॉइंट पी नॉट ए वेयर ओनली कंपोनेंट ए इज प्रेजेंट, दैट इज हैज 100% कंसंट्रेशन, ठीक है। जबकि ये वाली जो ब्लू लाइन है सॉलिड लाइन, ये इन दोनों लिक्विड सॉल्यूशंस को मिक्स करने से जो डिफरेंट कंपोजिशंस बन रही हैं उनके वेपर प्रेशर को जब हमने टोटल वेपर प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट किया, जो उनका वेपर प्रेशर आया, तो हमारे पास ये वाली सॉलिड लाइन आई। अब ये लाइन ही रिप्रेजेंट करती है वेदर द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉट, यानी इन दोनों कंपोजिशंस को मिक्स करने से अगर हमें उनके वेपर प्रेशर के अगेंस्ट जब हम कंपोजिशन को प्लॉट करते हैं तो वेपर प्रेशर के अगेंस्ट, टोटल वेपर प्रेशर के अगेंस्ट, और इस तरह की हमारी एक लाइन मिल जाए, तो इसका मतलब कि इन दोनों लिक्विड्स के मिक्स करने से ये जो डिफरेंट सॉल्यूशंस बने हैं ये आइडियल हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करती हैं देन यू कैन मेक आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल टेक अ पॉइंट जी ऑन द स्ट्रेट लाइन, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद 30% मोल कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट बी एंड 70% ऑफ कंपोनेंट ए। सो वी आर टेकिंग दिस पॉइंट जी एंड यू कैन सी दैट दिस जी दिस क्रॉसपॉन्ड टू मोल परसेंट ऑफ कंपोनेंट बी विच इज बी वी हैव टेकन एज 30% एंड ए वी हैव टेकन एट दिस पॉइंट एट 70%। अब हमें ये भी पता है कि ए जो है वो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, ये हम पीछे डेजिग्नेट कर चुके हैं इस चीज़ को, ए इज मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। तो चूंकि ये ज़्यादा वोलाटाइल है सो इट विल कंट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए, ठीक है। तो अब ये वाला लाइन, यानी ये तो जी लाइन है ना, यहाँ तक ये टोटल वेपर प्रेशर की लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन में से जो ए है मोर वोलाटाइल कंपोनेंट उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। वैसे भी देखें अगर हम ये कंपोजिशन में मोल परसेंट में देखें तो यहाँ पर वैसे भी ए की मिकदार ज्यादा है विच इज 70%, तो वेपर प्रेशर की तरफ भी इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। तो इस टोटल लाइन में जो ए की कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स टोटल वेपर प्रेशर, उसको इससे इस एरो डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया गया है एंड दिस रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। जबकि यहाँ तक लाइन ये वाली, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी टूवर्ड्स दिस सॉल्यूशन, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ तक वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है इस सॉल्यूशन के अंदर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेपर प्रेशर है बिकॉज ऑफ वेपर्स ऑफ कंपोनेंट बी, इसकी 30% कंपोजिशन है, ठीक है। और वैसे भी ये ज़्यादा वॉलाटाइल है और बी जो है वो कम वॉलाटाइल है।
द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेस वोलाटाइल कंपोनेंट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी बी, ये वाली पी बी, यहाँ पर बी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर बी भी आएगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी टूवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बाई टेकिंग अदर पॉइंट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पी नॉट ए टू पी नॉट बी। ठीक है, अगर हमने ये देखें, ये वाली लाइन है, ये ज्वाइन कर रही है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, प्योर कंपोनेंट ए, यानी पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है। तो अगर हमने किसी भी कंपोजिशन का वेपर प्रेशर में ये देखना है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, तो आप इसी तरह से कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, राइट। तो इस तरह से आपको सॉरी इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन के अगेंस्ट टोटल वेपर प्रेशर की तरफ ए और बी का शेयर कितना है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इक्वल कंपोनेंट्स पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो अब जो टोटल वेपर प्रेशर है यानी पी टी, दिस विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन प्लस प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। सो लेट मी करेक्ट इट। तो हम क्या करते हैं, वो आई विल सेलेक्ट पेन और यहाँ पर हम एक छोटा सा बी लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन ना हो। वेरी गुड, राइट। सो दिस इज इट, टोटल वेपर प्रेशर दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।